अभी तो आया हूँ यहाँ पे कोर्ट में थोड़ा सा बॉन्ड पेपर टाइप बनवाने के लिए। कभी कभी तो लगता है कि ये डायलॉग हमको बोलना चाहिए। हाँ तो चलते हैं अभी उधर। ये जो कॉलेज का काम था ना कोर्ट में, वो करवाने के चक्कर में बहुत टाइम मेरा निकल गया। और फिर एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग वेल, आई एम मैंगन, यू आर वाचिंग माय न्यू व्लॉग। तो अभी तो आया हूं यहां पे कोर्ट में थोड़ा सा बॉन्ड पेपर टाइप बनवाने के लिए। 100 रुपये का बॉन्ड पेपर बनता है क्योंकि हम लोग का अटेंडेंस जो है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है कॉलेज में, इस कारण से ये बॉन्ड पेपर बनवाना पड़ेगा 100 रुपये का नॉन ज्यूडिशियल वाला। तो उसी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं अभी। पहले तो हमको ढूंढना है किसी को, पहले उनको ढूंढते हैं, टाइपिस्ट है उनको, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। सुबह में कोट वाला काम जब भी करवाना था कॉलेज के लिए वही करवाने गए थे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मेरा, मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा, क्योंकि सुबह में पापा को छोड़ने के बाद से हम वहीं पे थे ऑलमोस्ट 2 से 2 बजे तक। मैं भी तो उसके बाद फिर गया डायरेक्टली पापा को पिक किया, उसके बाद फिर हम वापस से घर आए थे। तो इसी में रह गया, पूरा दिन निकल गया आज तो मेरा। उसके बाद फिर हम आए हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, उसके बाद फिर यही अभी का दिन चल रहा है। तो कभी कभी तो लगता है कि ये डायलॉग हमको बोलना चाहिए कि कितने अंगारों पर बैठता हूं मैं, कितने कांटों का ताज है। तो अभी निकल रहे हैं थोड़ा सा बाहर के लिए, और फिर वो वाला बाइक लेके निकलेंगे हॉर्नेट, तो फिर जाके और हेलमेट माउंट भी लगा के निकलते हैं। और आज वैसे बारिश नहीं हुआ था, थोड़ा सा शाम में थोड़ा धूप आया था बस वही, और अभी फिर से वापस से नॉर्मल वही बारिश वाला मौसम हो गया। फिर भी लेकिन लेके चलते हैं, चलते हैं अभी उधर अनुराग के घर की तरफ। और कोई ऑप्शन तो है नहीं मेरे पास अभी कहीं जाने का, तो वहीं चलेंगे अभी। और देख ही रहे हो मौसम का क्या हाल है, और शाम में चलाने गए हैं, मज़ा अलग है। बाइक विद दिस एग्जॉस्ट ना मज़ा आ जाता है। इसका भी रिव्यू बनाना बाकी है, मेरे पास तो आज टाइम ही नहीं था, बट लेकिन हम सोचे हुए थे कि इसका ही रिव्यू बनाते हैं आज तो, बट लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतना झंझट वाला ज़िंदगी अभी मेरा चल रहा है ना कि कुछ नहीं कह सकते हैं इस चीज़ को, कुछ इग्नोर भी नहीं कर सकते कोई चीज़ को, और कोई चीज़ को ऐसे जाने भी नहीं दे सकते, सब कुछ करना ही पड़ेगा। अभी उस स्टेज पे बैठे हुए हम, यही सब बात है थोड़ा मोड़ा इधर उधर का, और क्या, यही अब चल रहा है तो क्या ही बताएं। और 20 तारीख से एग्ज़ाम भी, 20 के बाद मेरा एग्ज़ाम भी स्टार्ट है, वो सब भी देखना है। अभी लगता है इस मंथ में ऐसे ही चलते रह जाएगा बस, नॉर्मल सा जैसे यहाँ पे जाम है वैसे ही। कोई बात नहीं, जाम से निकलने के बाद फिर बात करते हैं। इसका भी बाइक का भी सर्विस कराना बाकी बचा हुआ है, अभी वही सब करवाएंगे अभी थोड़े दिन के अंदर में। चेन भी बहुत ढीला हो गया है इसका, इतना ना ये गर बारिश हो रहा है ना कि कचरा जा रहा है आ रहा है, उस कारण से ही बारिश के चक्कर में इसका चेन में ढीला हो गया। और ये सामने अगर निकलते हैं ना तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ छूट जाता है, जैसे उस दिन था ना कि दो गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ा हुआ था, वो कैप्चर करना था बट लेकिन एक ही कर पाए थे। अभी फ़ोन माउंट है तो मिलेगा ही नहीं वो सब चीज़, चाहे कुछ भी एक्स्ट्रा कंटेंट जो भी रहता है, अगर फ़ोन माउंट लेके निकले हैं और ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। एक दिन का हम बात बताते हुआ गया था कि हम गए थे वही इंटॉर्क का शूट करने एयरपोर्ट की तरफ, तो हुआ क्या ना कि हम लोग बस एयरपोर्ट से जस्ट पहले ही थे, हल्का पहले, ज़्यादा नहीं है एयरपोर्ट के गेट के पहले, और एकदम बगल से ऐसे प्लेन गया। अब वो शॉट मेरा छूट गया, अब हम तभी बोल रहे हैं वो फ़ोन भी माउंट किए हुए लेकिन रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, उससे मैं कभी कभी छूट जाता तो शिट वाला मोमेंट हो जाता पूरा, इतना अच्छा शॉट छूट गया। जस्ट अभी छोड़े हैं अनुराग को और फिर निकल रहे हैं घर की तरफ। और हुआ कहता है अभी चिन्मय लोग भी मिला था पीछे, मतलब एक जगह मिला था तो वहाँ पे थोड़ा देर बस बात किए हैं, उसके बाद अब हम निकल रहे हैं घर।
आज यही एक्सपीरियंस लो कि राइडिंग फास्ट हॉर्नेट्स, यही वाला लो अभी का फटाफट एकदम उड़ाए हुए। अरे यहाँ का लाइट उड़ गया बहुत, यहाँ स्ट्रीट लाइट का कमी है वैसे दरभंगा में बहुत ज़्यादा, शहर में तो रहना चाहिए बट लेकिन यहाँ बहुत जगह नहीं है पता नहीं क्यों, बट लेकिन ये सबको इंक्रीज़ करना चाहिए ये सब चीज़ को। टीवीएस रेडर वाला एकदम फुल फॉर्म में है पीछे, एकदम हॉर्न भी होगा पटापट। आगे जाएगा, चल जा चल जा, ठीक है बढ़िया। हाँ तो आज का यही ब्लॉग में बना है, मेन बात है कि दिन में हम बहुत एक्सट्रीम लेवल में बिजी हो गए थे, बिजी ये ऐसे ही हो गए थे क्योंकि वो जो कॉलेज का काम था ना कोर्ट में वो करवाने के चक्कर में बहुत टाइम मेरा निकल गया। और फिर क्या होता है ना कोई कोई चीज़ में, हाँ बारिश भी हो रहा था, बारिश में भी भीग भांग के एकदम किच किच थोड़ा मोड़ा शूट किए और इतना ना इधर उधर हमको करना पड़ गया ना कि हमको ध्यान ही नहीं रहा, थोड़ा मोड़ा ध्यान से भी उतर गया था ब्लॉग का, तो उसी में रह गए थे। बट लेकिन जितना हो पाया उतना किए, बस बहुत कम ही था, बहुत कम था जो कि नहीं होना चाहिए था, बट लेकिन वही था। स्टैम्प पेपर वगैरह लेने में, स्टैम्प पेपर मेन था, उसको लेने में इतना लफड़ा लगा हमको कि क्या ही बोले, एक 100 वाला जो आता है स्टैम्प पेपर, 100 रुपये वाला, वो कहीं अवेलेबल ही नहीं था, तो हम डबल दे के मतलब 100 का 200 में दे रहा था वहाँ से लिए। वैसे नॉर्मली 100 का 120 में दे देता है स्टैम्प पेपर कोर्ट वगैरह में, बट लेकिन आज दे रहा था 200 में, तो वही सब लेने, किसी के पास था भी नहीं, प्रिंट ही नहीं हो रहा है ऐसा सुनने में आया है, तो उसी सब में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको। उसके बाद फिर लास्ट में गए टाइपिंग वाइपिंग करवाए, फिर मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर के लिए आज दिए हैं, तो आज शाम में मिल जाता, 2 बजे के करीब दे दिए थे बट लेकिन शाम में मिल जाता, लेकिन शाम में हम उधर गए ही नहीं, तो कल जाएंगे तो फिर वापस से ले लेंगे, कल सुबह सुबह जाएंगे पापा को छोड़ने, तो आने वक्त में ले लेंगे उधर से, यही काम रहेगा अब तो। वो फॉर्म फिल करने के लिए 75% नहीं ना कंप्लीट हुआ है, इसलिए बस ये किया जा रहा है कॉलेज में। और एक और ऑप्शन था कि कॉलेज में ही एक कोई वकील को बुला लिया गया था, वहाँ पे सारा बंदा एक बार में ही सब अपना नाम वगैरह सारा कुछ दे के, अपना पैसा दे के सबका काम हो जाता वहीं से, तो वही हो रहा है, मतलब कॉलेज में इजीली हो गया होगा। तो पूछा भी था पहले, लोग कॉल भी किया था कि तुम्हारा भी करवाना है क्या, हम बोले भाई बोले बनवा लिए हैं तो क्या ही करवाएंगे। तो यही था इसका दिन का पूरा स्टेटस, तो अभी निकलते हैं बस। Oh.